ये बताइएगा कि फवाद चौधरी साहब को अगर पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये पंजाब असेंबली डिसॉल्व ना करनी पड़ती, ये कहना है परवेज लाई का। देखिए सिंपल है, हमने कहा कि एक तरफ है अपनी सियासत बचाना या ओहदा रखना, दूसरी तरफ है कि मुल्क बचाना। अगर मुल्क के लिए कि यहाँ पे बेड़ा गर्क हो गया है, क्या टेक्सटाइल मिल्स फिर से बंद होना शुरू हो गए हैं? क्या लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए? किसी को आटा मिल रहा, डॉलर कितना ऊपर चला गया, आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो गई, लोग बेरोजगार होना शुरू हो गए, महंगाई अपने उरूज पर है, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई हो रही है, पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ गई है, दहशतगर्दी एक दफ़ा फिर से जन्म ले रही है, तो इसके बाद रास्ता क्या है? रास्ता एक ही है कि अवाम में जाओ यार, अवाम से पूछो कि किसको मुंतखब करना चाहते हो, अवाम को फैसला करने दो, अवाम फैसला कर लेगी। ये बताएं कि आईने पाकिस्तान ये कहता है कि जब आप असेंबली तोड़ दें, साबिक वज़ीरे आज़म हो जाएं, तो आईन के मुताबिक जो सिक्योरिटी वो फराहम की जाए, फिर क्यों आप अपनी खुद असेंबलियां तोड़ के, एक तो ये बताएं कि मर्जी के वज़ीरे आला क्यों चाहते हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने लगा दिया उनको एक्सेप्ट करें, और आप बयानियां ठीक है, आपका सवाल है बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए